नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गोड्डा में अडाड़ी पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन के फर्जीवाड़े का विरोध। अखिलेश दास ने मोदी पर बोला हमला, नोटबंदी से व्यापारी हुआ परेशान। पैक्सों में धान क्रय नहीं होने से विधायक क्षुब्ध, दिया धरना। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के तालाब से युवक का शव मिलने से सनसनी। अब खबरें विस्तार से। गोड्डा में अडाड़ी पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन में फर्जीवाड़े को लेकर रैयतों ने विरोध जताया है। रैयतों ने विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में संताल परगना के आयुक्त DC मिश्र को एक ज्ञापन देकर इस अधिग्रहण को रोकने की गुहार लगाई है। वही विधायक प्रदीप यादव ने इस पूरे प्रकरण में राज्य और केंद्र सरकार को दोषी बताया है। कहा, दोनों के इशारों पर ही जबरन रैयतों का हो रहा है अधिग्रहण। आज इस गुहार के साथ आयुक्त के सामने आए थे कि अडानी पावर प्लांट हेतु जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है गुड्डा में, वो फर्जी तरीके से हो रहा है। पिछले दिनों जो सामाजिक मूल्यांकन हुआ वो भी फर्जी था। इसके बाद जो सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर जनसुनवाई हुई 6 दिसंबर 2016 को, वह भी फर्जी था। अगली जनसुनवाई फिर उन्होंने 5 मार्च को रखा है। उस 5 मार्च की जनसुनवाई को तत्काल रोका जाए। और यह जो फर्जी जनसुनवाई है, जिस प्रकार के वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी और अडानी के दलाल और अडानी कंपनी के अधिकारियों की मिली भगत सी है, उसको रद्द किया जाए, इसी गुहार को लेकर के आए हैं। ताज नगरी आगरा में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास गुप्ता के वारिश और कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास गुप्ता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार की नोटबंदी की वजह से व्यापारी परेशान हो गया है और व्यापार धंधे चौपट हो गए हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस दौरान अखिलेश दास गुप्ता ने कांग्रेस को अपनी पुरानी पार्टी बताते हुए इसमें वापसी की बात को दोहराया और अपने आप को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया। अखिलेश दास गुप्ता ने इस दौरान यह भी कहा कि मुसलमान बसपा के बहकाव में नहीं आए, अन्यथा उनका वोट बेकार चला जाएगा और सूबे में भाजपा आ जाएगी, जो कि मुसलमानों के लिए खतरनाक है। आज एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक पवित्र गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। कांग्रेस ने कभी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था। ये पहली बार है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ, हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है। मैं कहता हूँ ये सही अर्थों में इन्होंने सारे देश को आज जो कैशलेस किया है, भारतीय जनता पार्टी कैशलेस करके स्वयं बेसलेस हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए, 31 दिसंबर तक मुझे टाइम दीजिए और उसके बाद अगर मैं ये हालात देश के ठीक नहीं कर पाया तो मुझे चाहे फिर देश की जनता चौराहे पे लटका दे। हम अहिंसावादी लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, हम किसी को चौराहे पे लटकाना नहीं चाहते। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर के एक तालाब से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से यह युवक लापता था, जिसकी सूचना परिजनों के द्वारा तातारपुर थाना में दी गई थी। परिजनों ने हत्या कर शव को तालाब में फेंके जाने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि तालाब से युवक का शव मिलने पर लोगों की काफी भीड़ वहां जमा हो गई। उसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना पुलिस वहां पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धान की बात पता चलेगा जो उसके बारे में सनहा दिया गया था कि वो मिसिंग है और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। उसकी डेड बॉडी मिली है और देखने से लगता है कि डूब करके मौत हुई है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं आया जाता है और सारे सरगंटांस के समीक्षा नहीं कर ली जाती है, उसके बारे में अभी फाइनली कुछ कहा नहीं जा सकता। भाजपा नेता स्वामी मौर्य आज भाजपा प्रत्याशी पप्पू लोधी के समर्थन में आए और इस दौरान सपा और बसपा पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि सपा काल में कई पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। घोटाले वाली पार्टी राहुल गांधी के साथ आज सपा पार्टी के कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। मायावती के बारे में कहा कि एक है दौलत की देवी जो बाबा साहब मिशन की दुहाई देकर उन्हें बेचने का काम कर रही है, हाथी बिक रहा है, वही भ्रष्टाचार की देवी को माफ मत करना। एक है
दौलत की देवी, एक है दौलत की देवी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की दुहाई देकर बाबा साहब को बीच चौराहे पर बेचने का काम कर रही है। मानवर कांशी राम के सपनों को, मानवर कांशी राम के सपनों को चकना चूर कर केवल दोनों हाथ से दौलत बटोरने में लगी है। आज टिकट बिक रहा है 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, पंचायत भी बेच दिया और लोकतंत्र को बेच दिया, बाबा साहब के संविधान को बेच दिया, दलितों पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान को तिजोरी वालों के हाथों में 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ में सौदा कर डालने का काम किया। इसलिए भ्रष्टाचार की देवी को भी। डुमरी क्षेत्र के किसानों का पैक्सों में धान क्रय नहीं होने से डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो क्षुब्ध होकर डुमरी प्रखंड कार्यालय के बाहर धरना में बैठ गए। विधायक जगन्नाथ महतो का कहना था कि एक तरफ राज्य सरकार राज्य के किसानों के प्रति कई वायदे कर हमदर्दी जताती तो दूसरी तरफ प्रशासन के लोग किसानों द्वारा उत्पादित धान क्रय नहीं कर बिलोचियों को किसानों के धान को औने पौने दाम में खरीदने का अवसर दे रही है, लेकिन अब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार विधायक ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए जल्द ही पैक्सों में धान क्रय करने की व्यवस्था करने हेतु डुमरी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया। सांकेतिक हड़ताल धरना पर हम लोग बैठे थे, एक किसानों का धान क्रय केंद्र नहीं खोला जा रहा है। सरकार के लंबा लंबा घोषणा चल रहा था कि किसानों का किसी तरह नुकसान नहीं होने देंगे, 1650 रुपये धान खरीदेंगे, 1600 रुपये धान खरीदेंगे, लेकिन यहाँ बिचौलिया के माध्यम से 8 रुपये खरीदा जा रहा है, 8.5 रुपये खरीदा जा रहा है। किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और किसान के काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए हम सांकेतिक हड़ताल 2 दिन के समय दिए। क्रय केंद्र नहीं खुलेगा तो हम अनिश्चित कालीन ब्लॉक को तालाबंदी कर देंगे। डुमरी पैक्स में इस बार धान का क्रय नहीं किया गया, इसके चलते ये सांकेतिक धरना माननीय विधायक जी के द्वारा चलाया जा रहा है और अगर अल्टीमेट 1 सप्ताह का दिया गया इसके अंदर नहीं खुलता है तो तालाबंदी करने का काम करेंगे। अपराधियों ने भीड़भाड़ इलाके में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर आसानी से भागने में सफल रहे। गौरतलब है कि नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र समीप अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मारकर बाइक लूट लिया। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रिफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि धरहरा निवासी विकास कुमार अपने मां को लेने के लिए गिरियक के सकरिया विद्यालय जा रहा था, तभी अपराधियों ने रास्ते में गोली मारकर बाइक लूट लिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गया है। पुलिस मामले की छानबीन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। अपनी माँ को लाने के लिए गया था, उनकी माँ शिक्षिका है, लाने गया था, रास्ता में गोली मार दी और उसका मोटरसाइकिल छीन करके फरार हो गया। कहाँ घटना है? ये चंडी के पास में है, बाबा चिमनी के दक्षिण साइड में मेन रोड पर। किसको मारा था गोली? विकास कुमार को नाम है, ग्राम उसका धरारा घर हुआ। दुश्मनी वगैरह भी था? ये ना मालूम है, दुश्मनी का नहीं मालूम। जहानाबाद जिले के घोषी प्रखंड के बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका के साथ बाल विकास परियोजना के जिला योजना पदाधिकारी द्वारा छेड़खानी के 5 दिन गुजर जाने के बावजूद ना तो अब तक DPO पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही आवेदन दिए जाने के बावजूद थाना में FIR दर्ज की गई है। महिला का आरोप है कि 31 जनवरी को ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संतोष कुमार ने विभागीय कार्य के बहाने ऑफिस में बुलाकर अश्लील हरकत की, जिसकी शिकायत जिले के तमाम पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर किया था। वही आरोपी DPO पर FIR दर्ज करने के लिए महिला थाना में भी आवेदन किया गया था, परंतु 5 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो DPO पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही FIR दर्ज किया गया है। पीड़िता ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या तक को मजबूर हो जाऊंगी। ये मीटिंग 30 तारीख को बुलाया गया था बहाली को लेकर के, परंतु उस दिन बोला गया था कि आप लोग 8 से 10 तारीख तक के बीच में बहाली कर लीजिए, हम 11 को फिर बैठक रखेंगे और आप लोग को यहाँ कागज लेने के लिए बुलाएंगे, परंतु उन्हीं सुपरवाइजर के साथ जिनके साथ बैठक हुआ था उन्हीं लोग के सामने हमको बोला गया कि आप 31 तारीख का आकर हमसे मिलिए। हाँ, अकेले में बुला करके छेड़छाड़ किया गया मेरे साथ, थाना में भी गया परंतु अभी तक मेरा FIR नहीं लिया गया है। और आज हम जा करके SP साहब से भी मिले कि सर मेरा FIR नहीं लिया गया है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी जांच हो रहा है, जांच के बाद
देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमको यही लगता है, FIR अभी तक नहीं लिया गया है, इसलिए हमको ये लगता है कि सारे पदाधिकारी मिल करके हमको दबाना चाहते हैं और इसको मामले को दबाना चाहते हैं। 3 दिन पहले मेरे को ये सूचना मिली थी और एक लिखित में शिकायत फॉरवर्ड होकर DM ऑफिस से आई थी। उसमें हम लोगों ने कार्रवाई के लिए DM ने अलग से एक अपनी टीम बैठाई है, हम लोगों ने भी उसके लिए जांच करा रहे हैं। उसकी जांच के बाद अगर सत्यता पाई जाएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया भी ऐसा लग रहा है कि मामला इसके अलावा भी और कुछ है, हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं। राज बब्बर की बेटी और अभिनेत्री जूही बब्बर और उनके पति क्राइम पेट्रोल फेम अनूप सोनी मंगलवार को आगरा पहुंचे। इस दौरान जूही बब्बर ने कहा कि जब भी उन्हें लगा कि आगरा की बेहतरी के लिए कदम उठाना चाहिए, वे आए। मालूम हो कि कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए PK की टीम ने खास तैयारी की है। इस दौरान उन्होंने कई रोड शो रखे। इससे पहले अखिलेश और राहुल गांधी का 3 फरवरी को रोड शो हुआ था। अब राज बब्बर की पुत्री जूही बब्बर, उनके पति अनूप सोनी और जया बच्चन का रोड शो रखा गया था। झारखंड के लोहरदगा में सरकारी विकास योजनाओं में रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 6 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह सभी बजरंग दल नामक गिरोह के नाम पर सरकारी अधिकारियों ठेकेदारों को धमकाया करते थे। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी कई को दी थी। इन अपराधियों की गतिविधि से जिले में खौफ का माहौल बनने लगा था। लोहरदगा पुलिस इनकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। प्रेस वार्ता के दौरान SDPO अरविंद वर्मा ने बताया कि ओयना गांव में कोयल नदी तट पर विशेष प्रमंडल विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके ठेकेदार संतोष यादव से इन सभी ने रंगदारी की मांग की थी। लोहरदगा के ग्राम आईने में पुल का निर्माण किया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा, तो बजरंग दल के नाम पर कुछ लोगों ने इनसे लेवी और रंगदारी की मांग की गई, जिसमें अनुसंधान के क्रम में छापामारी दल टीम गठित करके उसको डिटेक्ट कर लिया गया। इसमें 6 लोग का एक गैंग बनाया हुआ था जो बजरंग दल के नाम पे ये दूसरे से रंगदारी कर रहे थे और 10,000 के भी पूर्व में रंगदारी ले चुके थे और जान से मारने की धमकी संतोष यादव ठेकेदार को दे रहे थे। उनसे बरामद में है कि जो सिम और जो मोबाइल का इस्तेमाल किए थे, प्रयोग में लाए हुए थे, वो उनसे रिकवर कर लिया गया है। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।